दोस्तों, सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ में पाकिस्तानी अदाकारों की धमाकेदार एंट्रीज का सिलसिला शुरू हो चुका है और क्या ज़बरदस्त और पावरफुल किरदार दिए जा रहे हैं पाकिस्तानियों को। यानी पहला किरदार ही देख लें जो कि नूरुल हसन है, और जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो तब तक तो नूरुल हसन को आप कितने ही सीन्स में देख भी चुके होंगे। मतलब अब्दुल कादिर जिलानी का किरदार निभाने वाले नूरुल हसन जब ड्रामे में आते हैं तो एक ही मकसद लेकर आते हैं कि मैंने तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करना है। लेकिन दोस्तों, पहले ही सीन से जो सवालात सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो ये कि इनकी डबिंग टर्किश लैंग्वेज में क्यों की गई, और ये टर्किश लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, उर्दू ज़बान में क्यों नहीं इनके सीन्स नशर किए गए, और क्या आने वाले जो भी अदाकार हैं पाकिस्तानी वो भी ऐसे ही तुर्की में बोलेगा, और इसी तरह के कई सवालात। तो मैंने काफ़ी सर्च किया और फिर सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए आपको इसका जवाब दे दिया जाए। तो देखो यार, सबसे पहले तो अगर इस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ की सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तानी पहले ही अदाकार के आते इस सीरीज़ को जैसे पर लग गए हों, और मुझे पता है कि तुर्की वालों ने भी पाकिस्तानी की खातिर इस सीरीज़ की रेटिंग बढ़ा दी कि देखें तो सही पाकिस्तानी अदाकार कैसे अदाकारी करता है। लेकिन यार, मतलब मज़ा ही आ गया नूरुल हसन की अदाकारी को देखकर। इसके अलावा सीरीज़ के जितने भी मेन अदाकार हैं उन सब ने ग्रैंड पार्टी भी रखी नूरुल हसन के लिए, और पाकिस्तानी अदाकार को सराहा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। जी हाँ, तो दोस्तों अब चलते हैं उस सवाल की तरफ। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये उर्दू ज़बान ही बोल रहा है लेकिन इसको टर्किश लैंग्वेज में डब किया गया, वो इसलिए क्योंकि ये इस वक्त सीरीज सिर्फ तुर्की में चल रही है। पाकिस्तान में यानी हम टीवी पर तो बहुत पीछे है, लेकिन असल में ये सीरीज़ तुर्की में चल रही है, तो डबिंग इसलिए करनी पड़ी ताकि तुर्की वालों को समझ आए। लेकिन दोस्तों, जब ये हम टीवी पर किस्तें नशर होंगी तो जहां बाकी सब की डबिंग होती है वहां पर नूरुल हसन के किरदार की डबिंग नहीं होगी क्योंकि वो बोल ही उर्दू रहा होता है। लेकिन दोस्तों, मेरे जाती ख्याल से जो डबिंग तुर्की वालों ने की है नूरुल हसन के साथ ज़रा भी मैच नहीं हो रही। ये मेरा जाती ख्याल है, आप भी बताएं कि जो डबिंग की गई है नूरुल हसन की, क्या वो मैच हो रही है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, जो आने वाले अदाकार हैं इस सीरीज़ के, जिसमें अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद और हमजा अली अब्बासी हैं, उनके लिए भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा, यानी तुर्की वालों के लिए डबिंग, और जब ये सीन्स हम टीवी पर नशर होंगे तो इनकी डबिंग नहीं की जाएगी। बाकी यार, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में और नूरुल हसन की अदाकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि माजिद टीवी के आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।